तो भैया आज जो मौसम है ना वो बहुत ही सुहाना हो चुका है, और इस सुहाने मौसम में मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए, क्योंकि यू गाइज आर लविंग माय जितने भी कैमरा वाली वीडियोस होती हैं। तो भाई आज हम आ चुके हैं। ओहो हनी भाई हनी है यहाँ पे, ये पिछली वीडियो में आ चुके थे, और ये मास्क लटक रहा है, और ये रहे हमारे रिशु। हैं कैसा लग रहा है? अरे भैया बहुत अच्छा लग रहा। लोकेशन कैसी लगी? अरे एकदम बिंदास, जबरदस्त भाई। हम एक तो नंबर, एक नंबर मानस। पूरे करिए कपड़े पहने, पूरे काले कपड़े पहना हूँ भाई मैं, और हनी भाई कुछ इस आउटफिट में है, और यहाँ पे जो है ये लगा है DSLR, आपको मैं अगर दिखाऊँ पीछे कैनन का 200D, और उसमें अभी लेंस लगा है 50mm है ना? नहीं, जूम लेंस। अच्छा, अब जो इसमें लेंस लग चुका है वो लग चुका है जूम लेंस, और भाई आज होने वाली है तबाही, आज आएगा मज़ा, क्योंकि जो मौसम है वो बहुत सुहाना है, लोकेशन फैंटेस्टिक है, और हमारे भाई लोग, हमारे छोटे भाई लोग हमारे साथ में हैं। तो चलिए निकालते हैं दमदार क्लिप्स, अरे पिक्लिप्स, अब पिक्स। सो ये कुछ क्लिप्स, अरे यार बार बार मुंह से क्लिप्स निकलता है, नाश्ते में केला खाया था। ये कुछ जो है पिक्स निकाली है हनी ने। ओहो कैसे चल रहा है, जे देव कैसे, आज ये नॉर्ड में घुसे जा रहे भाई, लोकेशन जबरदस्त है यार। ये फोटो एक नंबर है। कौन सी? ये भाई, हाँ ये फोटो अगर मैं दिखाऊं तो दिस इज नंबर वन। हनी भाई बहुत दूर से आए थे, और जैसे ही ये छोटा मेरे पास आया, एक दो फोटो निकल पाई होंगी। भाई पानी बरस रहा है, बहुत तेज पानी बरस रहा है, और हम टॉयलेट के पास खड़े। लगी है कहीं नहीं? कर लो थोड़ा थोड़ा, कर लो। अरे थोड़ा नहीं है, नहीं थोड़ा कर लो, कर लो। अच्छा अब सब कुछ करेंगे, जब से बोला गाना आया था ना, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, तब से पहले मंसून वंसून सब खत्म हो गया, वो यार ही हंस रहा है बार बार, बारिश ही होती नहीं आ रही है यार, बहुत हंस लिया लगता है जल्दी रो ले भैया। और वाकई बहुत थक गए हैं, तो अब ये करते हैं, सामने गेट देख रहे हो, कॉरिडोर सा देख रहे हो, दिखाता हूँ फोकस करके, नहीं फोटो ये एक दो यहाँ पे निकालते हैं क्लिप। क्यों भाई, वैसे वहाँ से पौन घंटा होने वाला है, कोई क्या देखो। अब वैसे भी पाँच दो तीन जगह रोका गया यार, कि कहाँ कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है यार। चार बॉस में रोका, कहाँ भैया लॉकडाउन हो रहा है, और मास्क लगा लो मास्क। हमने भैया तीन लोग हैं, तीनों में से नेगेटिव है, तीनों लोग अफिलियत कोई है ही नहीं। अरे अरे तो जो पानी था वो एक घंटे बाद रुक गया है, तो यहाँ पे हमारा कम से कम एक घंटा बर्बाद हो गया। हम लोग बस सिनेमेटिक शॉट्स लेते रहे, हम लोग नहीं, मैं और हनी भाई फोटो खींचते रहे, अभी भी फोटो शूट चल ही रहा है। यहाँ पे 1 बजे आए थे, अभी 3 बज रहा है, आप समझ सकते हो कितना टाइम लग जाता है। और मौसम तो भाई ज़बरदस्त है, जूते वूते सब गीले हो गए। आज मैं भी जो हूँ एकदम ब्लैक ही बन के आया हूँ भाई साहब, क्योंकि लोकेशन इतनी गजब थी ना, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ डिफरेंट करते हैं। लोकेशन हम लोगों ने चेंज कर ली है, और अभी जो है हम हैं लोहिया फील्ड में। यहाँ पे ये जो पेड़ देख रहे हो आप, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीन जो इस कैमरे में कैच हो रहा है। कैनन 200D और 55-250 इसमें लेंस लगा है, जूम लेंस। और ये रहे हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे नौनिहाल, जो कि पल्सर है। कहाँ ठूस रहे यार, धक्का दे दो इसके रिसु, धक्का दे दो, दे दो धक्का, स्टार्ट कर लो। ओहो कुछ ज़्यादा ही तुम यार जोशीले आदमी हो गए हैं, जोशीला बच्चा। चला उठा ले ये। अरे भैया गजब यार, टायर रगड़ाने का अच्छा तरीका था ये। तो वहाँ पे 200D लग चुका है, और रिमोट एसेसिंग के जरिए यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। देखो हाथ ला दो हम लोग, हाय कैसे
बहुत है चिल्ला लल्ला क्या बात। तो अब यहाँ वो रखा है कैमरा और ये रहा यहाँ पे जो है, ये देखो आ रहा है कि दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा। तो अभी आप जो सैंपल देख रहे हैं वो देख रहे हैं कैनन EOS 200D। और वैसे बहुत अजीब लगता है DSLR से ब्लॉगिंग करना, और पहले मैं सोचता था कि DSLR से ब्लॉगिंग करो भाई अच्छा लगेगा, लेकिन आई एम फीलिंग वेरी वेरी अलग सा यार, वाइब्रेशंस आ रही हैं, वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको इतना DSLR तो होल्ड करना पड़ता है, और यहाँ पे आपको बार बार अपना हाथ भी चेंज करना है। और इससे बढ़िया तो यार GoPro होता है या फ़ोन होता है, लेकिन DSLR इज़ द फादर ऑफ ऑल कैमराज। ये देखो एक बार वीडियो और बनाई थी, ये देखो पीछे हनी जो है यहाँ से शूट कर रहा है। क्यों भाई हनी, अभी आप जब देखोगे ना तो आपको क्वालिटी में अपने आप से फ़र्क पता चल जाएगा। सो ऐसा कुछ लगता है जब एक ब्लॉगर पहली बार DSLR से ब्लॉगिंग करता है। चलते चलते फ्लिप स्क्रीन है इसीलिए इसका फ़ायदा मिल रहा है, अगर फ्लिप स्क्रीन ना होती तो भाई इसका जो लेंस है ना उसमें तो देख के आप अंदाज़ा भी नहीं सकते कि ये कहाँ आ रहा है। हाँ आदत पड़ सकती है बाद में, वो बात अलग है। सो दिस इज़ द व्यू, आज बहुत सारी फोटो निकाली हैं, नियरली 112 फोटोज। क्यों भाई रिशु? यस ब्रो। हैं आज यस ब्रो। तो इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं और जो है आपको एडिटिंग करने के बाद वीडियो दिखाते हैं, यू विल एंजॉय। चलो फिर मिलते हैं, ठीक है? बहुत तगड़ा व्यू यार, ये देखो मिलते हैं यूट्यूब पे सारे गामा पादिंदा।